हेलो गाइस, तो एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है मकआउट अपकमिंग CA4 एग्जामिनेशन के ऊपर। तो टॉपिक है मकआउट अपकमिंग CA4 एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट मोड। तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा ही नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का राज क्या है मैं आप लोग बताता हूँ, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, तो ये जो नोटिस इसके ऊपर हम लास्ट में बताएंगे, उससे पहले जो मैसेजेस घूम रहा है व्हाट्सएप में उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा है दिस टाइम CA4 विल बी डिफरेंट, विल बी गिवन टोटल 25 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन बाय मकआउट इटसेल्फ। यानी मकआउट खुद आप लोग क्वेश्चन सेट करके देगा 25 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 4x5 एंड 5x1 यानी एक नंबर का MCQ देखने को मिलेगा और शॉर्ट बोर्ड क्वेश्चन दोनों ही आप लोग देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस विल बी गिवन विद इन ए ऐप बाय मकआउट। सो मकआउट की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, उस ऐप में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। विल बी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर शॉर्टली, और ये जो ऐप है बहुत जल्द आप लोगों को प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। वी हैव टू राइट द आंसर ऑन A4 पेपर एंड अपलोड द आंसर देयर, ओके। सो आप लोगों को एक A4 पेपर लेना पड़ेगा एंड A4 पेपर में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको वो जो आंसर शीट है वो अपलोड करना पड़ेगा ऐप में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आंसर शुड बी रिटेन विद इन 8 पेज, यानी 8 पेजेस के अंदर ही आप लोगों को लिखना होगा, उससे ज्यादा पेज आप लोग नहीं ले सकोगे, ठीक है। नो मोर पेजेस अलाउड। वन मोर थिंग, सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम विद इन 4 पेजेस, देन यू विल हैव टू स्कैन ऑल्सो 4 more blank pages एंड सबमिट इट, ओके। यानी आप लोगों को टोटल 8 पेजेस ही सबमिट करना पड़ेगा, ओके। चाहे आप 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, 4 पेज लिखो, बट आपको स्कैन करना है 8 पेजेस, ओके। अगर 4 पेज लिखते हो तो 4 अलग से आपको ब्लैंक पेपर स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल्स है, ठीक है। यानी आप अगर 2 पेपर में लिखते हो और बाकी 6 पेपर आपको ब्लैंक स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद PDF करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देन एग्जाम टाइम लाइकली टू बी स्टैंडर्ड एग्जाम टाइम, यानी जो स्टैंडर्ड एग्जाम होता है 10 बजे से 11 बजे से आपको स्टार्ट होगा। एज CA4 विल बी सुपरवाइज्ड बाय मकआउट इटसेल्फ, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक द एग्जामिनेशन सीरियसली। सो CA4 जो एग्जाम होगा वो मकआउट खुद लेगा, ठीक है। यानी इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मकआउट लेगा, बिकॉज वी डोंट नो विच CA मार्क्स दे विल सिलेक्ट, ओके। सो कॉलेज ये नहीं जानता कौन सा CA मार्क्स मकआउट सिलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड सेमिस्टर एग्जाम विल बी ऑनलाइन मोड एज वॉज बिफोर। सो ये सब लिखा था इस मैसेज में। तो ओवरऑल क्या बोला गया है, आपको एक ऐप दिया जाएगा, उस ऐप में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप घर बैठे आपको उस क्वेश्चन का अटेंड करना पड़ेगा, इस PDF फाइल बनाना पड़ेगा 8 पेजेस का, ठीक है। देन उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा पोर्टल में, ठीक है, यही बोला गया है, ठीक है। और जो सेकेंड मैसेज से आप लोग देख सकते हो, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स दैट इन कमिंग वीक बिटवीन 10 May to 13 May टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यू हैव टू आंसर ऑन A4 सीट एंड दैट टू बी अरेंज्ड बाय योर सेल्फ, ओके। A4 सीट भी हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। फ्रंट पेज फॉर्मेट विल बी गिवन बाय द कॉलेज, इस कॉलेजेस में फ्रंट पेज दिया जाएगा, ओके, मैंने इस मैसेज में, ठीक है। And you have to take printout and Xerox, so आपको printout कर लेना पड़ेगा। उसके बाद beforehand the attached your individual subjects paper, okay, यानी जो भी आप लोग लिखोगे। As per the new curricular by mockout, your answer sheet will be uploaded in the university portal and the copies will be checked by the university assigned teachers. The score will be reflected in CA4, okay. Attendance is mandatory for CA4 marks, otherwise university will treat those student as absent, okay. So इस मैसेज से बोला गया है कि आप लोगों का CA4 ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। A4 पेपर में आप लोगों का एग्जाम होगा, वो आपको हमको देना पड़ेगा, ठीक है। देने के बाद वो मकआउट पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, तो मकआउट खुद से चेक करेगा, उसका मकआउट ही आप लोगों का ये मार्क्स देगा, ठीक है। इस मैसेज में ये बोला गया है, ओके। जो फाइनल जो मैसेज मैं आप लोगों को दिखाता हूं उसमें क्या बोला गया है, देन आप लोगों को बोलूंगा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ये एक कॉलेज का नोटिस है, इसमें बोला गया है द कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ मकआउट हैज डिसाइडेड टू टेक द कंटीन्यूअस असेसमेंट CA4 इन ऑफलाइन मोड। सो ये लोग तो ऑफलाइन मोड में ही ले रहा है, ओके। और जो मैसेजेस मैं आप लोगों को दिखाया अभी, उसमें तो ऑनलाइन बता रहा था, ऐप के बारे में बता रहा था, मकआउट एक ऐप लॉन्च करेगा, उसके बाद उस ऐप में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका अटेंड करना पड़ेगा, देन आंसर सबमिट करना पड़ेगा, बट इसमें तो सीधा ऑफलाइन मोड बोला गया है। अंडर द सुपरविजन, जो मकआउट का एडिशन है, यानी मकआउट का बहुत सारा एडिशन है, ठीक है। सो चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोलर मकआउट इन व्यू ऑफ दिस we have to take the examination CA4 for both 6 or 8. This is a separate 6 or 8 semester bataya gaya in offline mode and as per the guidelines as follows. Okay, first rule says the full marks of the question paper will be 25 in 1 hour duration.
तो एक घंटा आप लोगों को मिलेगा 25 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी एमसीक्यू बेस्ड कैरिंग 1 मार्क्स, ओके, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, 7 ऑप्शन रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा बट 5 आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 7 विल बी सब्जेक्टिव टाइप कैरिंग 5 मार्क्स, ओके, 4 आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द फैकल्टी मेंबर्स आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर इन सच वे द स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द पेपर विद इन 8 पेजेस, नो एक्स्ट्रा पेजेस विल बी गिवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो इसमें भी 8 पेजेस के बारे में बताया था, ये कॉमन है, 8 पेजेस तीनों में ही कॉमन है, तीनों मैसेज में दिखाया, ये नोटिस और दो जो मैसेज दिखाया था उसमें कॉमन है 8 पेजेस, ओके। सो 8 पेजेस के अंदर ही आपको लिखना होगा, उससे ज़्यादा पेजेस आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास आपने 2 या 3 पेजेस में कंप्लीट कर दिया तो आपको बाकी पेजेस अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो नीचे जो बोल्ड करके लिखा है, इसमें लिखा है कि जो CA4 का क्वेश्चन पेपर होगा वो 9, 10, 11 तारीख के अंदर ही सेट करके ऑफिस को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। देन वही क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट अटेंड करेगा, बट पिछले मैसेज में मैंने क्या दिखा कि मकआउट खुद क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, ओके। तो ये तो झोलझाल लग रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन द आंसर स्क्रिप्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर टैग्ड विद द सब्जेक्ट इन मकआउट पोर्टल। ये मोबाइल ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर्स will be provided by Makout for scanning the answer script of the students. So इसमें बताया गया immediately जो question paper होगा उसको scan करना पड़ेगा, जो Makout से एक app दिया जाएगा उस app के through scan करके Makout के portal में upload करना होगा। अपलोड करने के बाद faculty members has to scan the individual answer script of the students इन द DVS ऑफ मकआउट पोर्टल थ्रू द ऐप, ओके। यानी ये फैकल्टी मेंबर ही करेगा। आप लोगों ने जाके ऑफलाइन एग्जाम दिया, ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट किया, करने के बाद कॉलेज का जो फैकल्टी है वो फैकल्टी उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उस ऐप के थ्रू देन उस ऐप में अपलोड करेगा। ये फैकल्टी का काम है, ठीक है, ठीक है। चलो टोटल 8 नंबर पेजेस इन द आंसर स्क्रिप्ट हैज टू बी स्कैनड, तो टोटल 8 नंबर ही आप लोगों को स्कैन करना पड़ेगा, ओके। तो जो आंसर शीट में आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, वो 8 पेजेस का ही होगा, उसमें आप 3-4 जो भी अटेंड करो पेजेस, 8 पेजेस को ही स्कैन करेगा, चाहे वो ब्लैंक हो, उसके बाद ही वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग ब्लैंक पेजेस, देखो लिखा है इंक्लूडिंग ब्लैंक पेजेस। द अपलोडेड आंसर स्क्रिप्ट विल बी इवैल्यूएटेड बाय द रिस्पेक्टिव faculty members of DVS in Makout portal and the marks for continuous assessment will be automatically be transferred to the CA portal. So overall समझ में आ गया। So अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आप लोग बताता हूँ, ठीक है। So देखो Makout ने क्या किया, सारे स्कॉलर्स को ये बोला जो CA4 जो एग्जाम है वो मैंडेटरी है, ठीक है, वो लेना ही पड़ेगा, और उसका जो भी पेपर होगा, ठीक है, खाली एमसीक्यू नहीं चलेगा, जैसे पहले होता था वैसे ही एग्जाम लेना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का यानी एमसीक्यू, और बाकी बोर्ड क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, ओके। जो पहले होता था वही तरीके से आप लोगों को एग्जाम लेना पड़ेगा, हर कॉलेज को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अभी कॉलेज क्या कर रहा है, कॉलेज कुछ कॉलेज जिस कॉलेज में ऑलरेडी ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया था उस कॉलेजेस में ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, सेम तरीके से एग्जाम होगा जो सेम एग्जाम हुआ था, ठीक है, बट एमसीक्यू नहीं होगा, खाली एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है, एमसीक्यू और ब्रॉड क्वेश्चन दोनों ही रहेगा 25 मार्क्स का, ओके। सो आप लोग कॉलेज जाओगे ऑफलाइन में, कॉलेज जाके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको अटेंड करोगे, अटेंड करने के बाद वो जमा करोगे, जमा करने के बाद आपका फैकल्टी क्या करेगा, वो जो ऐप बताया था ना उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद स्कैन करके वो अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद जो CA4 के आपका रेस्पेक्टिव जो टीचर लिखा है CA4 में, आप लोग देखोगे मकआउट स्टूडेंट पोर्टल में जाके, उस टीचर के पास आपका क्वेश्चन पेपर चला जाएगा, ठीक है। देन वो वाला टीचर वो आपका क्वेश्चन ऑनलाइन में ही देखेगा, आपको मार्क्स आपको ऑनलाइन में ही देगा, ठीक है। देन वो जो मार्क्स आप लोगों को निकलेगा वो CA आपका ऑफिशियल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल जो ऑफलाइन एग्जाम लेगा उनके लिए, ठीक है। बट जिन जिन कॉलेजेस में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, शायद हो सकता है मकआउट ने ऑप्शन रखा है कि अगर आपका कॉलेज ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले सका तो आप लोग ऑनलाइन में भी ले सकते हो। तो ऑनलाइन जो ऐप मैं दूंगा उस ऐप में आप आपका क्वेश्चन सबमिट करो, उस क्वेश्चन को देख के घर बैठे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को अटेंड करेगा, अटेंड करने के बाद 8 पेजेस स्कैन करके वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फैकल्टी का कोई काम नहीं, इसके आपका ही काम है, ठीक है। आप लोग ही एग्जाम दोगे, आप लोग ही स्कैन करोगे एंड आपको ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कॉलेज ऑनलाइन लेता है तो,
ठीक है, तो समझ में आने वाली बात है ये। और एज पर सेकेंड मैसेज और एक ऑनलाइन प्रोसेस हो सकता है, आपके कॉलेज से एक क्वेश्चन सेट करेगा, क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, आप घर बैठे ऑनलाइन A4 साइज में 8 पेजेस में लिखोगे, क्वेश्चन करोगे, देन आप सिंपल जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बोला दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन में आपको पूरा PDF बनाना पड़ेगा, उस PDF को आपको सेंड करना पड़ेगा आपके कॉलेज को। ठीक है, जो PDF आपने सेंड किया वही PDF आपके कॉलेज का फैकल्टी क्या करेगा, वही सेम PDF उस मैकआउट ऐप को डाउनलोड करके देन वही ऐप में आपका जो PDF आपने सेंड वही आपका सेम PDF अपलोड कर देगा, तो इससे काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो टोटल 3 ऑप्शन हो सकता है। एक है ऑफलाइन नॉर्मल एग्जाम, नॉर्मल ऑफलाइन जाके एग्जाम दो। सेकेंड, मैकआउट जो ऐप लॉन्च करेगा उस ऐप में ही आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, देन क्वेश्चन पेपर का आपको अटेंड करके उस ऐप में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा डायरेक्टली। और थर्ड जो हो सकता है, आपका कॉलेज सेपरेटली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करके ठीक है आप कॉलेज को PDF सेंड कर दोगे, देन कॉलेज उस PDF को मैकआउट पोर्टल में सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, मैकआउट क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, आपका कॉलेज का फैकल्टी क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक है, सो ओवरऑल डरने वाली कोई बात नहीं, ये एकदम आसान इजी प्रोसेस है। ठीक है, जस्ट ये फैकल्टी को काम करना पड़ेगा या हम लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, यही ये क्वेश्चन मार्क है। बट कुछ कुछ कॉलेजेस में नॉर्मल ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, नॉर्मल ऑफलाइन एग्जाम कोई फैकल्टी स्कैन करके अपलोड करेगा, वो फैकल्टी का काम है। ठीक है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस ये कर रहा है कि आप लोग अपलोड करो। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ जा रहा है, सो इट्स डिपेंड ऑन योर कॉलेज। ओके, शायद मैकआउट ये जान गया है कि हर एक कॉलेजेस में CA जो एग्जाम हो रहा है वो एकदम बेकार तरीके से एग्जाम हो रहा है, इसलिए मैकआउट ने सोचा चलो CA4 को अच्छे से लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए CA4 का सिस्टम ऐसा हो गया है। ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, बट यही आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज में ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो आपको वो जो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड सेम जो मैंने फर्स्ट मैसेज में बोला वही मैसेज आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, सो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपका कॉलेज जो इंस्ट्रक्शन आपको देगा वही आप लोग करना होगा। ठीक है, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। तो पहले क्या होता था, आप लोग जाते थे कॉलेज या ऑनलाइन में, आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद टीचर ने आपका पेपर देखा, आपको इतना मिला, देन जाके एक सबमिशन डेट आता था, सबमिशन डेट में आप लोगों को सबमिट करना पड़ रहा था, यानी टीचर रोज मार्क्स सबमिट करता करता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका मैकआउट पोर्टल में ही पहले वो जाएगा, उसके बाद ही मैकआउट पोर्टल से ऑनलाइन चेक किया जाएगा, देन आपका नंबर पुट होगा। ठीक है, सो यही था पूरा ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गया, अभी तक अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कॉल करना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।